हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री का ये फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको वर्ग दो और DSSB TGT नेचुरल साइंस में हेल्प करेगा। और अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए, ये बिल्कुल ना पूरा केमिकल इक्वेशन का ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल वो यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं चैनल पर कर पाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। देखिए, प्रेसिपिटेट, ये आप थ्योरी एक बार ज़रूर किसी भी बुक से रीड कर लीजिएगा। आप चाहें तो NCERT से, आप चाहें तो SChan से, किसी भी आप एक बार थ्योरी ज़रूर रीड कीजिएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो नीचे जमा हो जाता है और अघुलनशील होता है, इनसॉल्यूबल होता है। तो इस अब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन कराई लेड नाइट्रेट के साथ तो क्या बनेगा? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड ये प्रेसिपिटेट है और ये किस फॉर्म में है? येलो PPT। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट विच टाइप ऑफ PPT इज फॉर्म्ड। सो यू हैव टू गिव आंसर। ऑप्शंस दिएंगे ही सही, चार ऑप्शंस, तो आपको पता रहेगा लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड एंड विच कलर इज येल्लो। नेक्स्ट है H2SO4 की जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि वाइट PPT है, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनेगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट में ऐसा क्या मिलाया जाए कि वो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा? तो पर्पल कलर किसका होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का होता है। सिट्रिक एसिड मिलाने पर ये पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो रहा है तो आप यस जरूर लिखिएगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप एसिडिफाइड करते हो किस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट में, विच इज़ फॉर्मूला इज K2Cr2O7। तो ये क्या होता है? ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। तो ऑरेंज से ग्रीन पोटेशियम डाइक्रोमेट कब होता है? जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें मिलाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। फिर इनके ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इनके अनदर नाम है ये कैल्शियम ऑक्साइड का, क्या नाम है? लाइम या फिर क्विक लाइम इसे बोलते हैं। COH का होल्ड वाइज को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं और स्लैग लाइम बोलते हैं। फिर है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज़ हो। एक्सो एग्जिट जिसमें हीट रिलीज़ हो, ठीक है। फिर है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा? तो बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर बनेगा। ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है कि जब भी कोई एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस फॉर्म होती है? H2 गैस फॉर्म होती है, और ये पॉपअप साउंड के साथ होने वाली एकमात्र गैस है जिसमें पॉपअप साउंड आता है। पॉप साउंड एकदम टिक ऐसी आवाज़ आती है। COH का होल ट्वाइस लेग लाइम को अगर CO2 दी जाए तो ये लाइमस्टोन बन जाता है, चूने का पत्थर। कौन से कलर का है? एज वी ऑल नो वाइट, लेकिन ये वाइट PPT ज़रूर याद रखिएगा, और वाटर। नाउ वी कम टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जहाँ पर हीट रिलीज होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक है। इसको एग्जिट से याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे बर्निंग ऑफ मीथेन गैस कौन सी रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4, बर्निंग के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल होती है? O2 क्या बना? CO2 प्लस H2। और हीट जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट जो है जो रिलीज होती है वो राइट हैंड साइड लिखी जाती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन रिएक्शन किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो एक्सोथर्मिक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ O2, स्वाभाविक सी बात है, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगी फूड को। तो यहाँ पर CO2 बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल मक्खन मक्खन निकाल कर लाई हूँ मैं केमिकल इक्वेशन का चैप्टर का। तो आपको ना ज़्यादा रीड करना नहीं है, बस आपको एक बार थोरोली उसका थ्योरी ज़रूर से रीड कर लीजिएगा। फिर आपको ना बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो बनता है वो किस प्रकार की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है N2+O2। यहाँ पर देखिए, एंडोथर्मिक में हीट लग रही है ना, तो यहाँ पर जो हीट है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाएगी। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज हो रही है तो वो राइट हैंड साइड लिखी जाती है। इस तरीके से आपको
पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। एक ये इम्पॉर्टेंट था, एक ये इम्पॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक, क्यों, क्योंकि इसमें जो सनलाइट है उसका यूज़ हो रहा है, ना कि वो रिलीज हो रही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस फूड बनने की प्रोसेस है प्लांट्स में, लीफ में ये बनता है, तो आपको ये याद रखना है कि सनलाइट इसमें क्या है, इन्वॉल्व हो रही है, नॉट एग्जिट। यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर है KClO3। अब यहाँ पर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट का नाम आपको याद रखना है, क्या है, MnO2। KCl प्लस O2 बना, ये तो ठीक है भाई, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला लर्न रखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, KCl प्लस O2, लेकिन इसमें कैटलिस्ट MnO2, ये आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है मिथाइल अल्कोहल बनने में क्या क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लगती है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या, ये आपको टेम्परेचर लर्न रखना है और कौन सा कैटलिस्ट है वो लर्न रखना है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखो दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड लिखा जाता है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बन रहा है, स्लैग लाइम बन रहा है, ये इसके तीनों नाम है, ये आपको लर्न होने चाहिए। फिर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन मतलब चीज़ें टूट रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं, क्या हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं। तो फेरस सल्फेट, ये आपको जो याद रखना है उसमें इसका ग्रीन कलर याद रखना है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है इसका ब्राउन कलर याद रखना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो FeSO4 जब हीट होता है तो किस में ब्रेक डाउन होता है, Fe2O3 में, SO2 में, SO3 में, तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर में, Fe2O3 ब्राउन कलर होता है, यस। फिर एनहाइड्रस FeSO4, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं होता, एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर नहीं होता वो वाइट इन कलर है, FeSO4, वॉट इज़ द डिफरेंस, ये एक्वस फॉर्म में है तभी डिकम्पोज होगा, और जो एनहाइड्रस है दैट्स कलर इज वाइट, यस। नाउ नेक्स्ट PbNO3 को बोलते हैं लेड नाइट्रेट, जिसका कलर है कलरलेस, जिसका कलर क्या है, कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है, इसको हीट दी जाएगी तो PbO लेड ऑक्साइड विच कलर इज येल्लो, NO2 ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स ये वाला इंपॉर्टेंट है कि NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद से लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, तो आपने ये पढ़ा होगा, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पर एक बार और पढ़ लीजिए ध्यान से। AgCl ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट Ag+Cl2 में, ये कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AgCl का कलर क्या है, वाइट है, Ag का ग्रेइश वाइट है, Cl2 मतलब क्लोरीन का क्या है, येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन किसका है, मेरे साथ बोलिए, येलोइश ग्रीन किसका है, क्लोरीन का। Ag का क्या है, ग्रेइश वाइट है, और AgCl का क्या है, वाइट, यस। फिर AgBr का पेल येलो, Ag का वापस ग्रेइश वाइट, और ब्रोमीन का क्या है, रेड ब्राउन, ब्राउन रेड, ब्राउन ब्राउन ब्रोमीन, रेड ब्राउन ब्राउन ब्रोमीन, इस तरीके से आप लर्न रख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है उसके सॉल्यूशन से। देखिए यहाँ समझते हैं, कॉपर सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन है और एक यहाँ पर जिंक मेटल उसमें डाली, जैसे ही जिंक डाली तो कॉपर सल्फेट अपने सॉल्यूशन को, मतलब जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। Why? Because जिंक is more reactive than copper. तो क्या बन गया, जैसे इसने कॉपर को हटाया, डिस्प्लेस करा, तो क्या बना, ZnSO4+Cu, यस। अब कॉपर सल्फेट का कलर लर्न रखेंगे आप, ब्लू कलर होता है, जिंक का सिल्वरी वाइट, ये ब्लू कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ZnSO4 कलर लेस होता है, और कॉपर इंपॉर्टेंट है, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कॉपर, ZnSO4 कलर लेस, और CuSO4 ब्लू कलर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट COSO4 प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो क्या करेगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगी। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू, कॉपर का रेड ब्राउन, और मैग्नीशियम सल्फेट, वहाँ पर जिंक सल्फेट भी कैसा था, कलरलेस, मैग्नीशियम सल्फेट भी कलरलेस। फिर है COSO4 प्लस FE, तो यहाँ पर FE मोर रिएक्टिव है, अब FeSO4 बन जाएगा, ये ग्रीनिश सॉल्यूशन है, कॉपर रेड ब्राउन पता ही है, FE जो है वो ग्रे कलर है और COSO4 ब्लू इन कलर। नेक्स्ट AgNO3 प्लस कॉपर, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि कॉपर को सब डिस्प्लेस कर रहे थे, अब कॉपर बोली कि नहीं अब मैं सिल्वर को डिस्प्लेस करूँगी उसके सॉल्यूशन से, तो AgNO3 कलरलेस है, कॉपर रेड ब्राउन है, CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा ब्लू इन कलर एंड ग्रेश वाइट Ag। ये कलर आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट लर्न रखने हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे NO3 है तो ये इसका Cl ले लेगा और ये अपना NO3 इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। AgCl क्या है, ये देखिए प्रेसिपिटेट रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या होगा कि ये नीचे बैठ जाएगा सिल्वर क्लोराइड, तो ये वाइट PPT के फॉर्म में हमको मिलेगा। CSO4 प्लस H2SO4, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CuS बनेगा ब्लैक PPT और H2SO4 रिलीज बन जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, देखिए अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन हो गया। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मतलब जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन में भाग ले रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, तो H2 सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो रिडक्शन में भाग ले रहे हैं Cl। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत लोगों को दिक्कत आती है इसकी, सबसे अच्छी ट्रिक एक बात याद रखिएगा, जो कंपाउंड रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडेशन में वो रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए अब आप बिल्कुल देखते ही बता लेंगे CuO है रिडक्शन का, राइट मीन CuO कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर H2 है ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब बिल्कुल अपोजिट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते, दैट्स माई प्रॉमिस। बस आपको क्या याद रखना है, जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर देखिए MnO2 MnCl2 बना, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकल गई, मतलब ये रिडक्शन है, तो अब और HCl में क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है, मतलब MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, दैट इज HCl। रस्टिंग ऑफ आयरन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो गाइज यहाँ पर ये सेशन पूरा कंप्लीट हो गया, आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो, मैंने बहुत कोशिश की है कि बिल्कुल जो मलाई मलाई मक्खन बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स आप लोगों के सामने लेकर आई। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।